फरागो, मुंबई ड्रग केस में कहते हैं शाहरुख खान के बेटे का जिक्र करने पर शशि थरूर ने क्या कहा, कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने कहा कि लोगों को थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। उन्हें ट्वीट करके बात बताई, भैया शाहरुख खान के बेटे के लिए बोलते में लोगों को संवेदनशीलता रखनी चाहिए, वो ड्रगी है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग का धंधा करने वाला है, ऐसा चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों शशि थरूर को इतना दर्द क्यों हुआ? आइए देखें 30 मई 2004 की ये न्यूज़, और क्या है, शाहरुख खान मीट्स सोनिया रूल्स आउट जॉइनिंग पॉलिटिक्स। ओ हो अच्छा, इसलिए। वैसे आपको एक खुशखबरी दे दूं, जमानत नहीं मिली आज सुपुत्र को, उनके जमानत नहीं मिली, और जमानत इसलिए भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अब ये तार इंटरनेशनल माफिया, ड्रग माफिया तो छोटी बात है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ गए। ड्रग्स जो वहाँ पर मिलती थी वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट होता था ताकि उसकी कोई डिटेल्स ना रहे, क्रिप्टो करेंसी से दे दो। आप सोचिए क्रिप्टो करेंसी कितनी खतरनाक है, हम शुरू से बोलते हैं इस पर बैन लगना चाहिए, इससे टेररिस्ट को भी पैसा जा सकता है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है इसका, इसलिए क्रिप्टो करेंसी बैन होना चाहिए। इस ड्रग्स वाले मामले में जो पैसे का लेन देन है वो क्रिप्टो करेंसी से होता था, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ये पैसा होता था। अब एक नया मैटर खुल गया, अब तक तो इसमें एनसीबी थी, अब इसमें ईडीबी आ गई है और ईडीबी अब इसमें जांच करेगी, और मुझे नहीं लगता कि 7 तारीख तक की शायद उनको रिमांड दी है, और इसको और आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, इसको और आगे भी इसको रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 23 साल का बच्चा है, नहीं कोई 23 साल का बच्चा नहीं होता जी, 23 साल में तो लोगों ने गोल्ड मेडल लिया, 23 साल में लोग कैप्टन बन के भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके नीचे 150-200 लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। और क्या, और देखें और क्या क्या चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस को संदिग्ध आतंकियों से मिले अंतर्राष्ट्रीय पैसे के ट्रांजैक्शन के तार, कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाई। ये वही है जिनको पकड़ा था अभी कुछ समय पहले, दिल्ली स्पेशल सेल की ने पकड़ा था, ठीक है ना, जॉइंट ऑपरेशन में। अब इनके पास में बाहर से विदेश से आए हुए पैसे के ट्रांजेक्शन भी मिल गए, उस पैसे से इनको पता चल गया था कि ये पकड़े जा सकते हैं, उस पैसे से भागने का भी प्रयास किया उन्होंने, पर भाग नहीं पाए, पकड़ में आ गए। जरा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।